निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए भारत, बी यूएसए, सी यूके, डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा सी यूके, क्योंकि यूके का लिखित संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है वीवल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी अगस्त ऑफर, डी कैबिनेट मिशन। इसका सही उत्तर होगा डी कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी दो बार, ऑप्शन सी तीन बार, ऑप्शन डी है संशोधन नहीं किया गया था। इसका सही उत्तर है आंसर ए एक बार। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ था, 42वीं संविधान संशोधन 1976 में। इसके द्वारा उद्देश्य का में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइट जो 1921 से 1925 तक थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल जो 1925 से 1930 तक रहे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी आयरिश संविधान, डी जापानी संविधान। इसका सही उत्तर है बी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंत्यकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 296, बी 313, सी 318, डी 316। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 296। भारत की अंत्यकालीन संसद में 296 सदस्य थे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका आंसर है ऑप्शन बी संघीय सरकार। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता होती है, संघ की एवं राज्य की। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है।